देखो बच्चों, अभी जो मैं बताऊंगा आप लोग जो साइन कॉस साइन 30 कॉस 30 टेन 30 के वैल्यू टेबल में भी याद करते, पूरा टेबल, अब टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक रूट खींचेंगे अपने मन से, 0 1 2 3 4 अपॉन 4 लिखेंगे। सपोज साइन 30 का वैल्यू निकले तो साइन 30 को इधर से काउंट करेंगे, कॉस को इधर से काउंट करेंगे। साइन 30 मीन्स दिस इज 30, तो रूट अंडर 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, एंड वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। सिमिलरली साइन 90 रूट अंडर 4/4, दैट इज ये कट गया ये 1। साइन 60, साइन 60 रूट 3/4, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 इज रूट 3 एंड 4 इज 2। साइन 45 रूट अंडर 2/4, 2 2 जाए 4, ऊपर में 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज रूट 2। सिमिलरली कॉस 90 काउंट करेंगे इस साइड से, तो 0 cos 90 का वैल्यू, तो ये देखिए 90 का वैल्यू 0/4 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 0। हमेशा 0/something इज 0। कॉस 30 इधर से काउंट करेंगे, 30 में रूट अंडर 3/4, तो रूट 3/2। अगर टेन 30 निकालना हो तो साइन 30/cos 30, तो साइन 30 मीन्स 1/2 और कॉस 30 मीन्स रूट 3/2, 2 2 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1/√3। टेन 60 साइन 60/cos 60, टेन 60 साइन 60/cos 60, दैट इज इक्वल टू साइन 60√3/2, कॉस 60 1/2, 2 2 कैंसिल, दैट इज आंसर इज √3। मतलब साइन 60 का वैल्यू √3 हो गया। टेन 90 साइन 90/cos 90, दैट इज इक्वल टू कॉस साइन 90 इज 1 और कॉस 90 इज 0, दैट इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। इस तरह से 0 से लेकर 90 तक किसी का भी वैल्यू लेना, क्या है सेक में भी लेना है तो सेक 30 1/cos 30, 1/cos 30 मीन्स √3/2, दैट इज इक्वल टू 2/√3। तो कभी भी एग्जाम में सिर्फ ये टेबल बनाना है, रूट अंडर 0 1 2 3 4 / 4 एंड साइन के लिए काउंट करना 0 30 45 60 90, कॉस के लिए 0 30 45 90।